अंदाज़ा लगाइए 2027 में दुनिया कितनी बदल सकती है। शायद हम रोबोट्स को हर जगह काम करते हुए देख सकते हैं, या हम इंसान मंगल ग्रह पे अपने कदम रख सकते हैं। लेकिन कभी यह सोचा है कि इंसानों के साथ साथ हमारी आफ्टर लाइफ भी एडवांस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, स्वर्ग या नरक की जगह एक स्पेसशिप हो, जहाँ मरने के बाद आने वाले इंसानों को यमराज या उनका स्टाफ वेलकम करे, उन लोगों को हील करे और फिर से उन्हें पुनर्जन्म लेने के लिए धरती पर भेज दे। इंटरेस्टिंग थॉट है ना। यानी आज का इंसान जैसे एप से इवॉल्व होकर होमोसेपियन या मॉडर्न ह्यूमन बन गया है, वैसे ही अगर मैथोलॉजी के राक्षस भी इवॉल्व होकर होमो राक्षसास बन जाए तो क्या होगा। इमेजिन कीजिए, राक्षसों की एक हाईटेक राक्षस लोक में कोई डॉक्टर है जिनके पास सुपर पावर्स है, रूप बदलने वाला फिल्म एक्टर है, तो कोई साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉट है, और ये राक्षस लोग इंटरनेट भी ब्राउज कर रहे हैं और सोशल मीडिया में ब्लॉग्स भी पोस्ट कर रहे हैं। अगर आपने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है तो कोई बात नहीं, आफ्टर लाइफ की इस अजीब गरीब दुनिया को ऑलमोस्ट 2 घंटे का टाइम निकाल के आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टिकट टू हॉलीवुड। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं कार्गो, जो एक साइंस फिक्शन ड्रामा है और इसे क्रिएट एंड डायरेक्ट किया है आरती कडव ने। कहानी है 2027 की, जहां राक्षस इंसानों की तरह इवॉल्व हो जाते हैं और स्पेस एज में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस इवोल्यूशन की कंपटीशन में दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, इसलिए राक्षस और इंसानों के बीच एक समझौता हो जाता है, जिसमें इंसानों के मरने के बाद जो होता है उस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज और अप्रूव किया जाता है। इस प्रोसेस में पृथ्वी पर मरने के बाद इंसानों को पुष्पक 634A नाम के एक स्पेसशिप में टेलीपोर्टिंग द्वारा लाया जाता है। हर वो इंसान जो पुष्पक में मरने के बाद एंट्री करता है उसे वो लोग कार्गो कहते हैं। पुष्पक में एंट्री करने के बाद कार्गोस को हील किया जाता है और फिर से उन्हें नया जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। और इस जॉब को करने के लिए राक्षसों का एक प्रॉपर स्टाफ भी होता है। इसी तरह से लगातार 75 साल तक एक राक्षस एस्ट्रोनॉट गृहस्थ उस स्पेसशिप में यही काम कर रहा होता है, जिसे प्ले किया है विक्रम मेसी ने। इतने साल अकेले काम करने के बाद एक दूसरे एस्ट्रोनॉट को यानी युविष्का को भेज दिया जाता है, जिसे प्ले किया है श्वेता त्रिपाठी ने। गृहस्थ को कई साल मरे हुए इंसानों के साथ काम करने के बाद इंसानों की लाइफ, उनके इमोशंस के बारे में पता होता है, और यह सब देखकर उसे यही लगता है लाइफ या इमोशंस इन चीज़ों में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। बेसिकली उन डेड कार्गोस के साथ रहते रहते उसके इमोशंस भी डेड हो जाते हैं, और उसके ऑपोजिट युविष्का का नेचर थोड़ा एक्सप्रेसिव एंड इमोशनल होता है। और युविष्का का ये एक फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस होता है। उसके पास हीलिंग पावर होती है, जिससे वो इंजोर कार्गोस को हील करती है। प्रहस्त के लोनलीनेस या डिप्रेशन के बारे में उसको पता होता है, इसलिए वो डेड कार्गोस को हील करने के साथ साथ प्रहस्त के इमोशनल कंडीशन को भी हील करने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ दिनों बाद युविष्का भी लाइफ एंड डेथ की साइकिल में फंस जाती है, क्योंकि मरे हुए हर एक इंसान की एक अलग ही कहानी होती है, और उन्हें ट्रीट करते करते उनकी इमोशनल कहानियां सुनकर युविष्का भी प्रहस्त की तरह डिप्रेस फील करने लगती है। लेकिन बाद में उन्हें कुछ ऐसे कार्गोज मिलते हैं जिससे वो उन डेड कार्गोज में भी लाइफ जीने के लिए एक पैशन या एक होप देखते हैं। और एंड में युविष्का के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद प्रहस्त युविष्का और उन डेड कार्गोज के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। लेकिन इन इमोशनल इवेंट्स का इफेक्ट प्रभास और युविष्का के लाइफ पे कहाँ तक होता है, इसे शायद ओपन रखा गया है। सो ये मूवी का कंसेप्ट है जो मुझे साइंस फिक्शन से ज़्यादा साइकोलॉजिकल फिक्शन लगा, क्योंकि मूवी साइंस से ज़्यादा फिक्शनल राक्षस और इंसानों के बीच के इंटरेक्शंस या इमोशंस पर बेस्ड है। लेकिन राक्षसास को जिस तरह से ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया है वो देखना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। इस कंसेप्ट को समझने में आसानी हो इसलिए मैं एक हिंट देता हूँ। मूवी स्टार्ट होने के बाद आप ये सोचिए कि प्रहस्त और युविष्का मॉडर्न राक्षस है और हम इंसानों की तरह ही उनकी एक लाइफ है, फैमिली है, जॉब है। आप उनकी किसी भी एक्शन को या डायलॉग्स को एक राक्षस की नॉर्मल लाइफ की तरह समझिए और फिर उसे इंसानों की लाइफ के साथ कंपेयर कीजिए, तभी शायद आपको मूवी आगे देखने में इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसे राक्षस जिनके पास सुपर पावर्स तो है ही, लेकिन जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, मिल्क शेक या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आई मीन ये सोच ही कुछ अलग लेवल की है। अब बात करते हैं मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया, थ्रूआउट द मूवी प्रहस्त की एक लोनली जर्नी दिखाई गई है, जिसे युविष्का और कुछ कार्गोस इमोशनली इन्फ्लुएंस करते हैं। मूवी में शायद 10 या 12 कार्गो कैरेक्टर्स हैं। उन कैरेक्टर्स में से 3 कैरेक्टर्स हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे। एक साइंटिस्ट जो टाइम मशीन का एक्सपेरिमेंट करते करते शॉक लगने की वजह से मर जाता है। देन एक एल्डरली कपल जो जॉइंटली सुसाइड करते हैं। और लास्टली रामचरण नेगी जो एक यूट्यूबर होता है। ये सब लोग मरने के बाद अपने बिलोंगिंग्स के साथ स्पेसशिप में आ जाते हैं, जिसे देखना थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन इन सीन्स को एक डार्क कॉमेडी की तरह ट्रीट किया गया है। और एक चीज़ है जो नोटिसेबल है, वो है सेट डिज़ाइन, जिसमें आउटडेटेड टेक्नोलॉजी या आउटडेटेड डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप में क्राउन या नेशनल के CRT मॉनिटर्स, कंट्रोल पैनल में लेथ मशीन वाले नॉब्स और डिस्प्ले स्क्रीन्स के ग्राफिक्स को देखने के बाद मुझे मारियो और टेट्रिस गेम की याद आ गई थी। देन डीमार्ट या बिग बाजार वाला कैश रजिस्टर मशीन, हैंड स्कैनर जो एक्चुअली एक ATM मशीन है,
और हीलिंग मशीन जो पहले शायद वैक्यूम क्लीनर हो सकता है। और एक चीज़ है, कार्गोस को स्पेसशिप से पृथ्वी पर मोबाइल से कॉल करते हुए दिखाया गया है। और लास्टली स्पेसशिप जो बलून से पता नहीं कैसे पंप करके चल रहा है, और ये सब कुछ और लगता है, और ये सब पैराडॉक्स क्रिएट करता है। इसके बारे में जब डायरेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हमें जो पता है, जो हम देखते आ रहे हैं, उन चीज़ों को वो दिखाना चाहती थी। सो इसी तरह की यूनिक आइडियाज़ को मूवी में दिखाया गया है जिसे आज तक हमने कभी नहीं देखा है, और इन आइडियाज़ को लिमिटेड बजट में एग्जीक्यूट किया गया है। थ्रू आउट द मूवी कार्गो जाते जाते रहते हैं और अपनी कहानी सुनाते रहते हैं, इसलिए मूवी थोड़ा स्लो लग सकती है। लेकिन अगर आप राक्षसास के इंट्यूशन से मूवी देखें तो आप रस्त और युविष्का के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इसे देखने के बाद कुछ अलग, कुछ क्रिएटिव देखने का सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मूवी देखने के बाद आपके विचार कमेंट्स में प्लीज शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।